श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 3 अप्रैल दिन सोमवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ रही है। तो इस दिन हमने मनोकामना पूर्ति के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। आपने जो है शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपके मन की जो भी कामना है भोलेनाथ से जब आप कहेंगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, तो आपकी हर कामना जो है वो भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। बहुत ही सरल उपाय है, जो भी आप मांगोगे वो आपको अवश्य मिलेगा। उपाय को पूरा जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत ही सरल उपाय है, इसलिए प्रदोष के दिन इस उपाय को अवश्य करिएगा। तो उपाय करने के लिए गुरु जी ने हमें क्या बताया है, हमें लेना है सबसे पहले एक जल का पात्र। जल का पात्र कौन सा लेना है, तांबे का ही कलश लेना है। तांबे के कलश के अंदर साफ जल आप भर लीजिए। उसके अंदर हम क्या डालेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 5 बेलपत्री। 5 बेलपत्री साफ सुंदर आप ले लीजिए और उस कलश के अंदर आपने डाल लेनी है। फिर आपने लेना है एक शमी पत्र। शमी पत्र जो है वो आप एक शमी पत्र लीजिए, उसी पात्र के अंदर आपने डाल लेना है। इसके साथ हमने क्या लेने हैं, हमने लेने हैं 7 दाने अक्षत के। अक्षत यानी कि चावल, जो पूरा चावल होता है अक्षत बोलते हैं जिसे, वो गिनकर 7 दाने आपने उसी तांबे के कलश के अंदर जिसमें हमने जल भरा है, जिसके अंदर हमने 5 बेलपत्र डाले हैं, 1 शमी पत्र डाला है, उसी के अंदर 7 दाने अक्षत के आपने डाल देने हैं। उपाय किस दिन करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। फिर आपने क्या करना है, इस कलश को तैयार करने के बाद आप जो है अपने घर में एक लगाएंगे घी का दिया। अब ये दिया जो है आप अपने घर के जो पूजा घर है वहां पर भी लगा सकते हैं, या फिर जो है आप अपने घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर भी आप जो है अपने घर के द्वार की जो चौखट है वहां पर भी आप जो है भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आप ये घी का दिया वहां पर प्रदोष काल में आप लगा कर, फिर आपने जो कलश है वो आपने लेकर जाना है भोलेनाथ के मंदिर में। जब आप मंदिर जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पांव में चप्पल नहीं पहन के जानी है, नंगे पांव जाइएगा। वहां पर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवालय में शिवलिंग के ऊपर जो आप पात्र लेकर गए हैं जल का, वो आपने अपनी कामना कहते हुए, जो भी आप भोलेनाथ से कहना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, अपनी कामना कहते हुए वो पूरा कलश जो है वो भोलेनाथ पे शिवलिंग के ऊपर आपने समर्पित कर देना है। 5 मिनट के लिए वहां पर शिवालय में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, अपनी मनोकामना कहें और अपने घर वापस आ जाएं। मात्र इतना सा उपाय आपने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में करना है। केवल 2 प्रदोष करने से आप खुद देखेंगे, आप जो भी भोलेनाथ से आपने मांगा होगा वो अवश्य आपकी कामना जो है वो पूरी होगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। शुक्ल पक्ष में जो भी हम मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं उनका हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस उपाय को अवश्य पूरी श्रद्धा भावना के साथ करिए और इसका लाभ हासिल करिए। कुछ भी पूछना हो कॉमेंट अवश्य किया करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।